बताइए कि यहाँ पर आपके बच्चे को किस तरह से मारा गया है और जिस तरह से नारे लगाए, क्या लगता है आपको कि कुछ नहीं नारे हो रहे यहाँ, कुछ नहीं कोई बात मारने वाले नहीं जो। अब भैया हम सब मौके पे थे नहीं, क्या किया क्या, हम सब तो घर पर थे। क्या चाहते हैं बात, क्या चाहते हैं, बच्चे की तबीयत कैसी है, मिले हैं बच्चे से? हाँ ठीक है सर। कैसी तबीयत है? ठीक है सर। अच्छा, कुछ पहले बताया भी था, कोई झगड़ा हुआ था किसी से, कुछ जानकारी दी थी आपको पहले? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं दी थी। कैसे आपको सूचना मिली है? सूचना वो यहाँ कंडक्टर लोग यहाँ से फ़ोन किए हैं, समझा था ना, उसी द्वारा सूचना मिली है। बेटे की क्या हालत है आपकी? ठीक है सर। इलाज? इलाज चल रहा है सर। नाम बता दीजिए अपना। राम शिरोमणि। बच्चे की कैसी हालत है बेटे की आपकी? बेटे सही है, हमारे बोलत है न। बोल रहे हैं? हाँ, बोला। मुलाकात की है आपने? हाँ। क्या बताया उन्होंने, क्या जानकारी दी, कैसे हमला हुआ? नहीं हम पूछा साहेब, हाँ, कुछ नहीं बता। क्या चाहती हैं आप सरकार से, क्या चाहती हैं? अरे भैया हमारे कुछ दाई दे। हाँ। आपके बेटे को जिस तरीके से बेरहमी से मारा, उसमें किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप, उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कायदे भैया, अब हम का बताइए। अब नाम बताइए अपना। फूल पत्ते। 2023 को थाना औद्योगिक क्षेत्र में यह सूचना मिली कि लारे भाषमी नामक युवक ने एक सिटी बस के कंडक्टर को लेन देन के मामले में चापड़ मार के घायल कर दिया है। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची, चोटिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और सुसंगत धाराओं में थाना औद्योगिक क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ की गई। जब पुलिस टीम द्वारा चापड़ की बरामदगी के लिए अभियुक्त की निशानदेही पर वहाँ ले जाया गया अभियुक्त को, तब पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षण फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में विस्तृत पूछताछ के लिए टीम गठित की गई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।